फ्रेंडशिप का हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया तो उसे भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। मानते हैं दोस्तों ये तीन चट्टानें हैं, इनको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ओके, मानते हैं जो बी वाली चट्टान है दोस्तों, ए वाली चट्टान और सी वाली चट्टान, ये दोनों अपनी अवस्था में रहती हैं, यानी कि ये ऊपर नीचे नहीं जाती हैं। लेकिन बी वाली चट्टान है ये नीचे खिसक जाती है, नीचे धस जाती है। अगर सी वाली चट्टान जब नीचे धस जाएगी तो कुछ इस तरह की स्थलाकृति का निर्माण होगा, आप इस तरह से देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से एक स्थलाकृति का निर्माण दिखाई देगा। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर ये क्या, ये घाटी का निर्माण हो गया। ओके, ये बी वाला पार्ट था, ये नीचे चला गया, तब यहाँ पर एक घाटी का निर्माण हो गया। इसी के लिए भ्रंश घाटी बोलते हैं दोस्तों। भ्रंश घाटी क्या है, यही भ्रंश घाटी है। और इसी में दोस्तों नर्मदा ताप्ती नदी है वो भ्रंश घाटी से होके बहती है, उसका निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। एक जो एक चट्टान थी, दो चट्टानों के बीच में एक चट्टान थी जिसका नीचे धसान हो गया और जिससे एक घाटी का निर्माण हुआ, जिसे भ्रंश घाटी का नाम दिया गया। ओके, अब क्या हो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गड्ढा वाला स्थान है, इसको तो घाटी बोल दिया, भ्रंश घाटी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मान लेते हैं एक और यहाँ पर चट्टान हो, मान लेते हैं दोस्तों, इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ। अब मान लेते हैं एक और चट्टान है जो डी चट्टान है। ओके, ये क्या करे, ए भी नीचे चली जाए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डी चट्टान है ये भी नीचे चली गई है, तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगी। जब ये डी चट्टान भी नीचे चली गई तो आपको यहाँ पर ये क्या कर दिख रहा है, ये ऊंचा ऊंचा एक स्थान दिख रहा है ना, ये ऊंचा स्थान है, इसी के लिए ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ओके, तो ब्लॉक माउंटेन क्या है, जब दो भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है एक साथ और उसके बीच में जो ऊंची चट्टान होती है उसी के लिए ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। क्योंकि ये दोस्तों दो घाटियों के बीच में ब्लॉक हो गया तो इसीलिए इसको ब्लॉक माउंटेन बोल दिया गया, यानी कि ये क्या है दोस्तों, ब्लॉक माउंटेन है, BLOC के ब्लॉक माउंटेन। ओके, अब हम पहली कंडीशन तो देख ली, एक हमें क्या मिल गया, भ्रंश घाटी मिल गई, दूसरा हमें ब्लॉक माउंटेन मिल गया, यानी कि हमें पता चल गया भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है, जब एक चट्टान नीचे धस जाती है और उसके जो पास वाली चट्टानें होती हैं वो अपनी अवस्था में रहती है तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और इसी तरह ब्लॉक माउंटेन होता है, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कब होता है, जब किसी भी चट्टान के जो पार्ट्स की जो चट्टानें होती हैं उनका नीचे की ओर धसान हो जाए तो उससे एक ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। ब्लॉक माउंटेन अपनी जगह पर ही ये चट्टान है फिर भी इस माउंटेन का निर्माण हो गया, क्यों, क्योंकि दो चट्टानें नीचे अपने आप चली गई तो अपने आप ये ऊँची चट्टान दिखने लगी अपने आस पास से। इसी तरह दूसरी कंडीशन देखते हैं दोस्तों, क्या हुआ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, अब इसमें क्या हुआ, ए वाली चट्टान तो दोस्तों क्या हुई, ये चट्टान अपने आप ऊपर चली गई बी वाली, और ये दोनों अपनी अवस्था में रही। ओके, इस बार क्या हुआ, बी वाली चट्टान ऊपर गई है, तब क्या होगा, कुछ इस तरह की स्थलाकृति आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह से आपको स्थलाकृति देखने को मिलेगी। ओके, जब ये ऊपर चली गई दोस्तों तो क्या हुआ, एक पर्वतनुमा संरचना बनी है ना, अब इसका अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा ये नुकीला भी हो जाएगा समय के साथ, तो इससे एक माउंटेन का निर्माण हो गया, तो इसी के लिए हॉर्स माउंटेन का नाम दे दिया गया। ओके, हॉर्स माउंटेन क्या है, ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स माउंटेन, अब आपको अंतर समझ में आ जाएगा। हॉर्स माउंटेन है दोस्तों वो अपने आप, वो ब्लॉक माउंटेन है वो अपने आप बन गया, ये चट्टान थी ऊपर नहीं गई है दोस्तों। लेकिन जो हॉर्स माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ, ये चट्टान जब ऊपर जाती है, जब वह अपने प्रयास के द्वारा जाती है तो क्या होता है, ये ब्लॉक माउंटेन का, वो सॉरी हॉर्स माउंटेन का निर्माण होता है। और इसके तरफ दोस्तों इसी तरह अब यहाँ पर एक और चट्टान हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक चट्टान डी है। ओके, ये भी मान लेते हैं ये ऊपर से ली गई, तब क्या होगा, यहाँ पर भी ये चट्टान जैसे ऊपर जाएगी तो इस तरह से दिखाई देगी। ओके, तब क्या होगा, ये भी क्या है, ये भी हॉर्स माउंटेन है, क्योंकि ये भी क्या है, ये अपने आप ऊपर गई है। ओके, ये भी क्या है, हॉर्स माउंटेन है। ओके, अब इसके बीच में भी तो आपको यहाँ पर एक घाटी टाइप की दिख रही है, तो इसी घाटी को गैबियन घाटी बोल देते हैं। ओके, क्या है ये, गैबियन घाटी या गैब्रो घाटी, बहुत नामों से इसको जाना जाता है। तो गैबियन घाटी का निर्माण अपने आप हुआ, इसी तरह ब्लॉक माउंटेन है इसका निर्माण भी अपने आप हुआ है, और गैबियन घाटी है इसका भी निर्माण अपने आप हुआ है। तो आपको इसमें बेसिक डिफरेंस एक समझ में आया होगा, ब्लॉक माउंटेन है इसका निर्माण अपने आप हो जाता है जब दो चट्टानें अपने आप नीचे चली जाएं तो इससे
निर्माण हो जाते हैं। लेकिन हॉर्स माउंटेन है, ये अपने आप ऊपर उठ के जाता है, ये अपनी कोशिश से ऊपर उठ के जाता है। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, जो ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स माउंटेन, इसको मैं एक याद करने का तरीका बता देता हूँ, कुछ फनी तरीका है, इसको आपको कहीं लिखना नहीं है लेकिन आपको पीटी में काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे आपको कैसे पता करना है कि जब चट्टान ऊपर जाती है तो हम उसे ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे या हॉर्स माउंटेन बोलेंगे, तो यहाँ पर हॉर्स का मतलब दोस्तों हॉर्स, यहाँ पर हॉर्स से थोड़ा मिलता जुलता है, यानी कि घोड़ा होता है उसका इंग्लिश में हॉर्स बोलते हैं, ओके, तो उससे कुछ मिलता जुलता लगता है ना, तो हम जानते हैं जो घोड़ा होता है वो काफ़ी मेहनती होता है, काफ़ी परिश्रम करता है, तो आप इससे लगा सकते हैं जो हॉर्स माउंटेन हुए हैं तो वो हॉर्स से कुछ मिलता जुलता है, यानी कि ये परिश्रम करता है तो ये खुद से ऊपर जाता है तब इसका निर्माण होता है, ओके, ये खुद से मेहनत करता है तब निर्माण होता है। और ब्लॉक से आपको समझ में आ रहा है, ये दो घाटियों के बीच में ब्लॉक हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है, तो इससे ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हो जाता है। और बृहद घाटी तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि एक बर्ड तो आपको ध्यान ही रहता होगा, जब चट्टान नीचे चली जाए तो उसमें एक भ्रंश बन जाएगा और उससे एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों अगर हम घाटियों की बात करें दोस्तों, तो घाटियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, जैसे एक घाटी है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बर्ड मिला घाटी। अब मैं आपको घाटी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, घाटी और पर्वत कितने तरह के होते हैं। एक देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक घाटी है, घाटी कितने तरह की हो सकती है। घाटी दोस्तों नंबर एक नदी घाटी हो सकती है। नदी घाटी में कौन कौन सी बनती है दोस्तों, बी घाटी आपको देखने को मिलेगी, ओके, बी आकार की घाटी आपको देखने को मिलेगी। घाटी हीम के द्वारा भी निर्मित हो सकती है, जो हीम नद होता है इसके द्वारा, यानी कि ग्लेशियर के द्वारा भी एक घाटी का निर्माण हो सकता है। तो इससे किस तरह की घाटी का निर्माण होता है, यू घाटी का निर्माण होता है। और इसी तरह जो भ्रंशन की प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि कोई भी चट्टान ऊपर नीचे जाती है तब इससे भी एक घाटी का निर्माण हो सकता है भ्रंशन की प्रक्रिया के द्वारा, तो इससे कौन सी घाटी का निर्माण होता है, भ्रंश घाटी का, या फिर जो गैब्रो घाटी होती है, गैबियन घाटी होती है जिसको बोलते हैं, इन घाटी का निर्माण हो सकता है। तो आपने यहाँ पर एक देखा होगा, जो घाटी होती है वो कितनी तरह की हो सकती है, या तो वो नदी के द्वारा बन सकती है, हीम के द्वारा, या फिर जो चट्टानें होती हैं वो ऊपर नीचे जाती हैं तब उसका निर्माण हो सकता है। तो घाटियाँ तीन प्रकार की हो सकती हैं, इससे आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यही भी घाटी है, जब ये दोस्तों बड़ी हो जाती है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो इसको कैनियन बोल देते हैं। तो कैनियन क्या है, जो बी घाटी होती है इसी का बड़ा रूप होता है, उसको कैनियन बोल देते हैं, ओके। अब यहाँ पर आप माउंटेन भी हम देख लेते हैं, पर्वत भी देख लेते हैं। पर्वत कितने तरह के हो सकते हैं, ओके, पर्वत हो सकते हैं दोस्तों, एक सीमांत पर आपको पर्वत देखने को मिलेंगे। तो कैसे कैसे हो सकते हैं दोस्तों, एक पर्वत होता है जो आपने देखा दोस्तों, बलित पर्वत, अभिसरण जहाँ पर होगा, अभिसरण जहाँ पर होगा, चट्टाने जहाँ पर आपस में मिलेगी वहाँ पर बलित पर्वत का निर्माण होगा, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा, ओके। और जहाँ पर अपसारी प्लेट सीमांत होगा, जहाँ पर प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी, अपसारी प्लेट सीमांत होगा, वहाँ पर आपको कटकों के द्वारा पर्वतों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह एक भ्रंश का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा हो सकता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जब लावा आता है, जब वो ऊपर आता है, तो इससे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, ओके। इसी तरह एक और पर्वत का भी निर्माण हो सकता है, अगर चट्टानें ऊपर नीचे जाती हैं, जो भ्रंशन की प्रक्रिया होती है, भ्रंशन की प्रक्रिया के द्वारा दो तरह के चट्टानों का निर्माण, वो पर्वतों का निर्माण हो सकता है, या तो जो ब्लॉक माउंटेन होंगे या फिर वो हॉर्स माउंटेन होंगे, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्वत होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। देखिए मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिससे आपको एक ऐसा ब्रॉड अप्रोच मिलता है सोचने का, जिससे आपके कन्फ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। जैसे पर्वत आप देख सकते हैं, पर्वत सीमांत पर बन सकते हैं, सीमांत दो तरह के आपने यहाँ पर देखे कि अभिसारी होगा या अपसारी होगा। तो जहाँ पर अभिसारी सीमांत देखने को मिलेगा, जहाँ पर चट्टानें अभिसरण करेंगी, तो वहाँ पर बलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा। और जहाँ पर अपसारी सीमांत होगा, वहाँ पर कटकों के द्वारा आपको कुछ देखने को मिल सकता है। इसी तरह ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। इसी तरह भ्रंशन की प्रक्रिया के द्वारा, जैसे कि अभी हम लोग देखें इसको, ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स माउंटेन का निर्माण होता है दोस्तों, ओके। अब एक और भी माउंटेन होता है दोस्तों, इसके अलावा और भी माउंटेन आपने देखे होंगे, जिसको अपशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं। क्या अपशिष्ट पर्वत, ये अपशिष्ट पर्वत क्या है, जब यही पर्वत होते हैं, जब
अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा या इरोजन की प्रक्रिया के द्वारा जब ये घिस जाते हैं, जब ये घिस जाते हैं दोस्तों, यानी कि इनका अपरदन हो जाता है, तब जो बचा खुचा जो पर्वत बचता है उसी के लिए अपशिष्ट पर्वत बोलते हैं। जैसे अरावली जो है, विंध्यन है दोस्तों, ये कैसी हैं ये दोस्तों, अपशिष्ट का उदाहरण, अपशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। तो आपको एक अप्रोच समझ में आ गया कि कितने तरह के पर्वत हो सकते हैं, बलित पर्वत होंगे, कटक होंगे, के द्वारा पर्वतों का निर्माण हो सकता है, या फिर ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा, या फिर भ्रंशन की प्रक्रिया के द्वारा, या फिर अपशिष्ट प्रकार के भी हो सकते हैं। ओके, और कटक के द्वारा दोस्तों पर्वतों का निर्माण बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें अधिकांश जो मैग्मा होता है वो बहुत ही पतला होता है, लेकिन कभी कभार इसके द्वारा भी पर्वतों का निर्माण हो सकता है, लेकिन सामान्यता नहीं होता है दोस्तों। ओके, चलिए हम लोग अब अपना जो मेन टॉपिक है ज्वालामुखी उसको स्टार्ट करते हैं।